नहीं देखा है चलिए पढ़ते हैं पाठ दो आत्मकथा अंश सत्य के प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी इस पाठ के लेखक हैं और यहाँ पर मैं बता दूं कि मोहनदास करमचंद गांधी की जो आत्मकथा है उस आत्मकथा के अंश के रूप में आपकी इस पाठ्यपुस्तक में ये पाठ रखा गया है चलिए शुरुआत करते हैं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती हैं उनका लाभ बेनफिट आपको मिलता रहे तो लीजिए शुरुआत करते हैं पार्ट की सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय देखिए लेखक परिचय जैसा कि मोहनदास करमचंद गांधी पार्ट के लेखक हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म दो अक्टूबर अठारह को गुजरात काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे उन्होंने सत्याग्रह अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटानिया के के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी देखिए गांधी जी के सत्याग्रह की नींव किस पर आधारित थी अहिंसा सिद्धांत पर आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंग रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ मांगी थी तो देखिए महात्मा गांधी जी जो हैं उनको राष्ट्रपिता का जो संबोधन है यह सबसे पहले किसने दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ध्यान दीजिएगा अच्छा प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा सर्वप्रथम तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने छह जुलाई उन्नीस सौ चौबालीस को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम संबोधित किया और अपनी आजाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं गांधी जी से मांगी देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस किसका गांधी जी का गांधी जयंती और विश्व में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका निधन तीस जनवरी उन्नीस को हुआ चलिए लेखक परिचय के बाद अब देखते हैं पाठ परिचय देखिए पाठ में क्या बताया गया है उससे संबंधित पाठ परिचय होता है ध्यान दीजिएगा इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है पाठ का सभ्य पोशाक में अंश जहां विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है वही बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बंधती है आत्मिक शिक्षा हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है वहीं शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार सहयोग व समरसता से साक्षात्कार कराया है तो खादी का जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है तो देखिए इस पाठ में गांधी जी की जो आत्मकथा है उससे संबंधित कुछ अंश यहाँ पर रखे गए हैं चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला अंश है सब्बे पोशाक में अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई सोल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया देखिए अन्नाहार से तात्पर्य है जो शाकाहार है उससे यहाँ पर अन्नाहार शब्द का तात्पर्य है जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली उनमें हावर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है कौन सी पुस्तक में हॉवर्ड विलियम्स की जो आहार नीति नामक पुस्तक थी उसमें अलग अलग युगों के ज्ञानियों अवतारों पैगंबरों के आहार के साथ ही उनके विचारों का वर्णन भी किया गया है पाइथोगोरस ईसा मसीह आदि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी साथ ही डॉक्टर एलिनसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की आरोग्य का मतलब स्वास्थ्य वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे कौन डॉक्टर एलिनसन देखिए डॉक्टर एलिन्सन स्वयं अन्नाहारी थे यानी कि शाकाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नार की ही सलाह देते थे यानी कि दवाई की सलाह ना देकर के वह जो डॉक्टर एलिनसन थे वो अन्नाहार यानी कि भोजन का ही हेर फेर करके बदल बदल कर भोजन करने की सलाह देते थे और इस प्रकार रोग दूर करते थे किसी भी रोगी का इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ बना रहूंगा क्योंकि अंग्रेजों के समाज में घुल मिल ही न सकूंगा वे जानती थी कि मैं अन्नाहार विषय पुस्तकें पढ़ता रहता हूं उन्हें डर लगा था कि इन पुस्तकों को पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा ऐसा किसको लगा गांधी जी के मित्र को इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता यानी कि निमंत्रण दिया वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ होबर्न भोजन ग्रह में भोजन करना था मेरी दृष्टि में यह एक ग्रह महल था देखिए गांधी जी कह रहे हैं कि वहाँ जाने से पहले उनको कौन से भोजन ग्रह में होभर्न भोजन ग्रह में भोजन करना था नाटक देखने से पहले और गांधी जी की दृष्टि में यह जो ग्रह था ये कैसा था एक महल के जैसा था विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे ग्रह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे मित्र ने पहली प्लेट मंगाई वह सूप की थी मैं परेशान हुआ मित्र से क्या पूछता मैंने तो परोसने वाले को ही अपने पास बुलाया मित्र समझ गए चिड़कर मुझसे पूछा क्या है मैंने धीरे से संकोचपूर्वक कहा मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं ऐसे ग्रह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहरी मेरी राह देखो मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा देखिए जो बात कही किसने कही गांधी जी के मित्र ने तो मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन ग्रह था यानी कि शाकाहारी भोजन ग्रह था पर वह तो बंद हो चुका था मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए मैं भूखा रहा हम नाटक देखने गए मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुँह से नहीं निकाला मेरे पास तो कहने को था ही क्या लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था न हमारा संबंध टूटा न उसमें कटुता आई उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहते हुए प्रेम को मैं पहचान सका था अब देखिए गांधी जी यहां पर कह रहे हैं कि भले ही मेरे मित्र ने ऐसा किया लेकिन फिर भी हमारे बीच में ये अंतिम मित्र युद्ध था जिससे ना तो हमारा संबंध टूटा और ना ही उसमें कड़वाहट आई ना ही प्रेम में किसी तरह की कमी आई क्योंकि इन सारे प्रयत्नों से मुझे अपने मित्र के मन में मेरे प्रति जो प्रेम था उसको मैं पहचान पाया कि उसके मन में यानी कि मेरे मित्र के मन में, में मेरे प्रति कितना प्रेम था क्योंकि प्रेम के कारण ही वो ये सारे प्रयत्न कर रहे थे इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी मेरा उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा और दूसरे प्रकार के समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूंगा मैं सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिचला रास्ता पकड़ा विलायती होने पर भी बंबई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा ना देंगे अब देखिए यहाँ पर विलायती का अर्थ है वैसे तो विलायती कार्त विदेश है लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के लिए इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग गांधी जी ने किया है आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए उन्नीस शिलिंग की उस जमाने के लिहाज से तो यह कीमत बहुत ही कही जाएगी देखिए उन्नीस शिलिंग ये कीमत है चिमनी टोपी सिर पर पहनी अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उन्नीस शिलिंग की गांधी जी ने सिर पर टोपी पहनी और वो टोपी ज्योति वो किस प्रकार की थी चिमनी चिमनी टोपी का एक प्रकार है इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे दस पॉइंट पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई भोले और बादशाही दिलवाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और वह मिल भी गई बंदी बंदाई टाई पहनना शिष्टाचार में सुमार नहीं था इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत यानी कि सीखी देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग दस मिनट तो बर्बाद होते ही थे बाल मुलायम नहीं थे इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश झाड़ू ही समझिए के साथ रोज लड़ाई चलती थी और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिरा बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती रहती थी पर इतनी टीमटाम ही काफ़ी न थी अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़ी बना जा सकता है मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए मैंने नृत्य सीख सीखने का निश्चय किया एक कक्षा में भर्ती हुआ एक सत्र के करीब तीन पौंड जमा किए देखिए गांधी जी क्या करें कि उन्होंने नृत्य सीखने का भी निश्चय किया और एक कक्षा में भर्ती हुई कितने एक सत्र के करीब तीन पौंड जमा किए कोई तीन हफ्तों में करीब छह सबक सीखे होंगे पैर ठीक से तालबद्ध पड़ते न थे पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आता था एक दो तीन चलता पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था जो मेरे लिए अगम्य था जिसे मैं नहीं जान सका तो अब क्या किया जाए अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ चूहों को भगाने के लिए बिल्ली बिल्ली के लिए गाय यो बाबा जी का परिवार बढ़ा और उसी तरह मेरे लोग का परिवार भी बढ़ता गया वायोलिन बजाना सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए तीन पौंड वायलिन खरीदने में गवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर घर खोजा उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट ही की बेल की स्टैंडर्ड एलो एलोकेशनिस्ट पुस्तक खरीदी पिट का एक भाषण शुरू किया इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई मैं जागा मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है लच्छेदार भाषण करना सीख कर मैं क्या करूंगा नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है मैं तो विद्यार्थी हूँ मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँ तो ठीक है नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया देखिए ऐसे विचार लिख कर के एक पत्र गांधी ने अपने शिक्षक को भेज दिया उनसे मैंने दो या तीन ही पाठ पढ़े थे नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था इस कारण मैंने उन उनसे अपने मोह की चर्चा की नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की और सब्बे बनने की मेरी यह सनक लगभग तीन महीने तक चली देखिए गांधी जी की जो सभ्य बनने की सनक थी कितने महीने तीन महीने तक चली होगी पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली पर अब मैं विद्यार्थी बना तो देखिए इस तरीके से गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का छोटा सा अंश जो पेश किया बहुत ही अः प्रेरणादायी अंश है कि किस तरीके से सभ्य बनने के प्रयास में गांधी जी ने क्या क्या किया लेकिन अंत में उन्हें ये सब छोड़ना ही पड़ा क्योंकि उन्हें ये सारी बातें कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली ही जान पड़ी चलिए बढ़ते आगे अगला अंश है बलवान से भिड़ंत। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटे। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिशर्ग में था मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था मेरे पास रोज शिकायतें आती हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले सोसो पोन देकर चले आ रहे हैं इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा मेरी भी यही भावना थी यदि यह सड़ांत दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल से ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा मैं प्रमाण जुटाने लगा जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की प्रवृत्ति है मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए उसे विश्वास हो गया पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है उसने कहा फिर भी हम प्रयत्न तो करें ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा मुझे तो विश्वास था ही दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था दो के बारे में कोई संदेह नहीं था अतएव दो के नाम वारंट निकले मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुँचाते थे यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही नहीं जाते इन दो में से एक अधिकारी भागा पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकाल कर उसे वापस पकड़वाया मुकदमा चला प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था फिर भी दोनों छूट गए मुझे बड़ी निराशा हुई पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ वकालत में वकालत से मुझे अरुचि हो गई बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देख मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर गांधी जी ने कही है दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई देखिए गांधी जी का यहाँ पर धंधे से तात्पर्य है गांधी जी वहाँ वकालत करते थे हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे उनमें बहुत कुछ बचत हुई यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची बेईमान तो अभी रिश्वत खाते थे पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जहानिसबर्ग की म्यूनिसिपॉलिटी में नौकरी मिल सकती थी उनका एक उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया उन्हें नौकरी भी मिल गई मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आए आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था तीखे शब्द कहने पड़ते थे फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था यह तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है तो देखिए गांधी जी ने जितने भी कार्य किए उन सब में गांधी जी को कही कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि इसमें सत्याग्रह और अहिंसा का विशेष अंग है मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं हैं अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर और दया रहनी चाहिए यह चीज़ समझने में सरल है पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है क्योंकि हम सब एक ही कुी से रचे गए हैं एक ही ब्रह्म की संतान हैं। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियाँ निहित है व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है तो देखिए यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि व्यवस्थापक के विरुद्ध जाने के बजाय जो व्यवस्था है जो पद्धति है उसके विरुद्ध झगड़ना यानी कि उसका विरोध हमें करना चाहिए तो जहाँ भी गलत दिखे अन्याय और अत्याचार दिखे उसका विरोध हमें करना चाहिए और जहाँ सत्य और जो सही कार्य करने वाले लोग हैं उनका हमें बराबर सम्मान करना चाहिए सत्य का पक्ष और अन्याय का विरोध करना चाहिए चलिए बढ़ते आगे अगला अंश है आत्मिक शिक्षा विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्वों को जानने चाहिए अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है इसे मैं टोलस आश्रम के बालकों को सिखाने लगा उसके पहले ही जान चुका था आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना तो देखिए गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने का अर्थ क्या है प्रश्न बन सकता है तो आपको जवाब देना है कि गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है हानिकारक भी हो सकता है ऐसा मेरा विश्वास था मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैलता हुआ फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं देखिए लोगों को यह भ्रम फैलावा गांधी जी के अनुसार कि आत्मज्ञान जो है वो चौथे आश्रम यानी कि जो चार आश्रम है तो जो अः आश्रम है चौथा आश्रम उसमें इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने की सोचते हैं लोग ये सोचते हैं कि जो चौथा आश्रम है अः आश्रम उसमें जाकर के आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है लेकिन गांधी जी इसे गलत मानते हैं वो मानते हैं कि आ, ऐसे सोचने वाले लोग आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर के पृथ्वी पर बाहर रूप बनकर जीवन जीते हैं इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव अब देखिए यहाँ पर गांधी जी ने बुढ़ापे के साथ दयाजनक बचपन का नाम लिया क्योंकि जो बुढ़ापा है वो भी बचपन के जैसा होता है इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है संभव है कि सन उन्नीस सौ में इन विचारों को इस भाषा में न रखता पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए मैं बालकों से भजन भजन गवाता उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष नहीं होता था जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत के द्वारा ही दी जा सकती है देखिए यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि जो गांधी जी ने क्या अनुभव किया कि जो आत्मिक ज्ञान की शिक्षा है वह पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती बल्कि किसके द्वारा दी जा सकती है जिस प्रकार शरीर की शिक्षा शारीरिक कसरत या व्यायाम द्वारा और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा भी आत्मिक कसरत के द्वारा ही दी जा सकती है आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है देखिए जो आत्मा की कसरत से तात्पर्य क्या है कि आत्मा की जो कसरत है वह शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है जैसा शिक्षक यानी कि जो शिक्षा देने वाला है वो जैसा आचरण करेगा व्यवहार करेगा वैसे ही जो विद्यार्थी हैं बालक हैं उनकी आत्मा का वैसा ही विकास होगा अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो शिक्षक को सावधान रहना चाहिए लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वह वह व्यर्थ ही होगा डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठशा बनकर रहना चाहिए इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए अतएव कहा जा सकता है कि टोलस्टोई आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर गांधी जी ने बताई है कि जो आत्मिक विकास है वो कैसे होगा शिक्षकों के आचरण के द्वारा जब तक शिक्षक अपने अपने आचरण को आदर्श नहीं बनाएंगे तब तक जो शिष्य है जो स्टूडेंट्स हैं उनका आत्मिक विकास नहीं हो पाएगा इसलिए आवश्यकता है शिक्षकों को अपने आचरण अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने की आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था झूठ बोलता था किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था एक दिन उसने बहुत ही उदम मचाया मैं घबरा उठा मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देता था इस बार मुझे बहुत क्रोध आया मैं उसके पास पहुंचा समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा मारते समय मैं काँप रहा था इसे उसने देख लिया होगा मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थियों को किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था विद्यार्थी रो पड़ा उसने मुझसे माफी मांगी उसे डंडा लगा और चोट पहुंची इससे वह रोया नहीं था अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निबड़ सकने की शक्ति उसमें थी उसकी उम्र कोई सत्रह साल की रही होगी उस बच्चे की उम्र कितनी थी सत्रह साल उसका शरीर सुगठित था पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया था इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन कराया था बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था रूल से पीटने से मैंने उचित कार्य किया या नहीं इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता यह मैं कह नहीं सकता वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया पर उस घटना को पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा तो देखिए यहाँ पर गांधी जी इस घटना से इस घटना के बाद गांधी जी कह रहे हैं कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है इस घटना ने गांधी जी को सोचने पर विवश किया घटना कौन सी थी वो हम पढ़ चुके हैं चलिए बढ़ते हैं आगे अगला अंश है शांति निकेतन राजकोट से मैं शांति निकेतन गया गांधी जी कहाँ से कहाँ गए राजकोट से शांति निकेतन वहां शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया स्वागत की विधि में सादगी कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था वहाँ में काका साहब कालेलकर से पहले पहल मिला था देखिए शांति निकेतन जब गांधी जी गए तो वहाँ पर काका साहब कालेलकर से पहली बार उनका मिलना हुआ कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे यह मैं उस समय नहीं जानता था लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशवराव देश पांडे जो विलायत में मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था विलायत का मतलब विदेश में बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे थे उनकी अनेक भावनाओं में से यह एक भावना यह भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए इस भावना से वहाँ सब अध्यापकों के नाम रखे गए थे उनमें कालेकर को काका नाम मिला फड़के मामा बने हरिहर हर शर्मा अर्णा कहलाए दूसरों के भी यथा योग्य नाम रखे गए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो काका साहब कालेलकर हैं तो उनका जो कालेलकर है उनका नाम काका साहब क्यों पड़ा तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रसंग गांधी जी ने बताया है तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे थे कौन देखिए यहाँ पर गांधी जी ने कहा है कि केशवराज देश पांडे जो विलायत में गांधी जी के समकालीन थे वे केशवराव देश पांडे जो थे वे बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे थे तो उनकी ये भावना थी कि विद्यालय में सभी में पारिवारिक भावना होनी चाहिए ऐसा उनका मानना था इसलिए वहाँ सभी अध्यापकों के नाम रखे गए तो वहाँ पर काले लकर को क्या नाम दिया गया काका और फड़के जो एक और अध्यापक थे वहाँ उनको उनको मामा नाम मिला हरिहर शर्मा अर्णा इस प्रकार सभी को यथा योग्य नाम वहाँ पर मिले काका के साथी के रूप में आनंदानंद स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन अप्पा आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हुए इस कुटुंब के उपयुक्त पांचों सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने देखिए पांचों सदस्य कौन कौन थे वो भी आप नाम देख लीजिए देश पांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे अब यहाँ पर देखिए जो देश पांडे जी थे उनको क्या नाम मिला साहब नाम मिला इस विद्यालय में साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध नहीं छोड़ा काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए इस सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते थे इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहाँ रहते थे ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते और कराते थे मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी किसने मगनलाल गांधी जी ने एंड्रेस तो यहाँ थे ही पियरसन भी थे पियरसन भी थे जगदानंद बाबू नेपाल बाबू संतोष बाबू क्षितिमोहन बाबू नगेन बाबू शरद बाबू और बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुल मिल गया और स्व परिश्रम के विषय में चर्चा करे करने लगा मैंने वहाँ के शिक्षकों के सामने यह बात रखी कि वेतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा हो ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन तथा स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीखेंगे तो देखिए वहाँ जाकर के गांधी जी ने क्या बात रखी कि क्यों न हम सभी जो घर है घर में जो खाना बनता है तो वो खाना शिक्षक और विद्यार्थी ही मिलकर बनाए और इसके पीछे क्या तर्क दिया है कि ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और साथ ही विद्यार्थी जो है वो स्वावलंबन तथा शिवम पाक का पदार्थ पाठ सीख सकेंगे यानी कि स्वावलंबन के साथ ही खाना बनाना भी सीख सकेंगे एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा नई चीज़ फिर यह कैसी भी क्यों न हो बालकों को तो अच्छी लगती ही है इस न्याय से यह चीज़ भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ जब कविश्री के सामने यह चीज़ रखी गई तो उन्होंने अपनी यह सम्मति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हो तो स्वयं उन्हें इस यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा उन्होंने विद्यार्थियों से कहा इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय ना छूटा तो देखिए यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि उन लोगों को खुदाली से काम करते देख कर किसको नगेन बाबू आदि जो थे वो साफ़ सफाई रसोई के आसपास की साफ सफाई में जुड़ गए और जो पियरसन थे उन्होंने अपने आप को इस प्रयोग में खफा दिया यानी कि जी जान से वो भी लग गए लेकिन मेहनत के इस काम को सवा सौ विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक एक नहीं अपना सकते थे अतः रोज़ चर्चाएं चलती कुछ लोग थक जाते परंतु पियर्सन क्यों थकने लगे वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे ही रहते बड़े बड़े बर्तन माजना उन्हीं का काम था बर्तन माजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार बजाते थे विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों की छत्ते की भांति गूंजने लगा तो देखिए वहाँ पर जो बर्तन माँजने की जो टुकड़ी थी जो लोग थे उनकी थकान उतार के उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी उनका मनोरंजन करते यानी कि सितार भी बजाते थे ताकि उनको उनका मनोरंजन होता रहे इस प्रकार के फेरफार जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर वे रुक नहीं पाते फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया था यही नहीं बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी मसालों का त्याग किया गया अतव भात दाल साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोईघर भी शुरू किया था उसमें एक दो अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया जा सकता था पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद हो गया मेरा विश्वास यह है कि इस जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपना कुछ खोया नहीं और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए थे मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था किंतु विधाता मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले गया मैं मुश्किल से वहाँ एक हफ्ता रहा होऊंगा कि इतने में पुना से गोखले के अवसान का तार मिला शांति निकेतन शोक में डूब गया देखिए गांधी जी को एक हफ्ता वहाँ रहे शांति निकेतन उसके बाद पुना से गोखले के अवसान यानी कि जो गोखले थे उनके अवसान का उनकी मृत्यु का तार मिला जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके जो देहांत का तार मिला शांति निकेतन शोक में या दुख में डूब गया सब मेरे पास संवेदना के लिए आए मंदिर में विशेष सभा की गई यह गंभीर दृश्य अपूर्व था मैं उसी दिन पुना के लिए रवाना हुआ पत्नी और मगनलाल गांधी को अपने साथ लिया बाकी सब शांति निकेतन में रहे बर्दवान तक एंड्रूज मेरे साथ आए थे उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपको ऐसा लगता है हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा और अगर ऐसा हो तो कब आएगा इसकी कोई कल्पना आपको है मैंने जवाब तो गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे एक वर्ष तक देश में भ्रमण करना है किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है न प्रकट करना है मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरश पालन करूंगा बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की जरूरत होगी तभी मैं कहूँगा इसलिए मैं नहीं समझता कि पाँच वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा तो देखिए सत्याग्रह के बारे में जब एंड्रूज ने पूछा गांधी जी से तो गांधी जी ने जवाब दिया कि कि जो गोखले थे उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा करवाई थी क्या प्रतिज्ञा करवाई थी कि मुझे एक वर्ष तक देश में भ्रमण करना है किसे गांधी जी से प्रतिज्ञा करवाई कि इसने गौख लेने की गांधी जी को एक वर्ष तक देश में भ्रमण करना है और किसी सार्वजनिक प्रश्न पर न तो अपना विचार बनाना है और ना ही प्रकट करना है इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मैं इस प्रतिज्ञा का अक्सर पालन करूंगा और बाद में भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी किसी प्रश्न पर प्रश्न पर कुछ कहने की तभी ही मैं कहूंगा इसलिए मैं समझता हूं कि पाँच वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर शायद ही आएगा यहां यह कहना अप्रस्तुत नहीं होगा कि हिंद स्वराज्य में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, थे आप एक वर्ष हिंदुस्तान में रह देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ये जो वाक्य है कि आप एक वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे इसने ऐसा किसने और किसे कहा तो देखिए ऐसा गोखले ने गांधी जी से कहा यानी कि जो गांधी जी थे गांधी जी के जो विचार थे उन विचारों की मजाक उड़ाते थे गोखले और मजाक उड़ाते हुए गोखले ने गांधी जी से ऐसा कहा चलिए बढ़ते हैं आगे अगला अंश है खादी का जन्म मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या खरगा कहीं देखा हो फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में यह माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है देखिए गांधी जी ने हिंदी स्वराज अखबार में ये हिंद स्वराज एक समाचार पत्र है उसमें गांधी जी ने माना था कि हिंदुस्तान की जो कंगालियत है गरीबी है कंगालियत है वो कैसे किससे मिट सकती है चरखे के जरिए ऐसा गांधी जी ने माना और 1908 तक गांधी जी ने कभी चरखा या खरगा देखा ही नहीं था और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा तो गांधी जी स्वराज्य के लिए भूखमरी का समाप्त होना या मिटना ज़रूरी मानते थे सर 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस कब आए 1915 ईस्वी में तब भी मैंने चरके के दर्शन नहीं किए थे आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा हम सब अनजान थे अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जालने वाले लोग इकट्ठा हुए थे हम में कोई कारीगर नहीं था इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी खाटियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हुए हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे इसलिए आश्रम वासियों ने मिल कपड़े पहनना बंद किया और यह निश्चय किया कि वे हाथ करघे पर देसी मील के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला हिंदुस्तान के बुनकरों की जीवन की उनकी आमदनी की सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे इस सबकी जानकारी हमें मिली देखिए गांधी जी ने जब चरखा चलाना प्रारंभ किया उनके आश्रम में तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्य से उनको ये मिली कि जो बुनकर लोग थे तो उनको उनका जीवन उनकी आमदनी आ, किस तरीके से उनको क्या क्या कठिनाइयाँ होती थी इस काम में और साथियों किस प्रकार ठगे जाते थे और दिनों दिन कर्जदार होते जाते थे सारी जानकारी गांधी जी को इस कार्य के द्वारा मिली हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बनवाना पड़ता था देसी मील के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे क्योंकि हमारी मिले महीन सूत काटती नहीं थी आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती है बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देशी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देशी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार प्रसार किया यो हम काटने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली हमने देखा कि मिलों का देय खुद काट कर खुद ही बुनना था वे हाथ करगों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी प्राधीनता बनी रहेगी मिलो के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते थे ऐसा हमें प्रतीत न हुआ लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न कहीं चरखे का चलाने वाला मिलता था कुकड़िया आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे पर उन पर काटा जा सकता है इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे पर हुनर उनके हाथ नहीं लगा दिन तो बीते जा रहे थे मैं अधीर हो उठा था आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता हो मैं पूछताछ किया करता था पर कातने का इजारा तो स्त्री का ही था अतएव औने कोने में पड़ी हुई कातना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे बड़ौच शिक्षा परिषद में घसीट ले गए वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती थी उससे अधिक थी उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी वे बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा किया करती थी कौन विधवा बहन गंगाबाई उनके पास पैसा था पर उनकी अपनी आवश्यकताएँ बहुत कम थी उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहाँ अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी इस बहन का विशेष परिचय गोदरा की परिषद में प्राप्त हुआ यानी कि जो गोदरा की परिषद थी वहाँ पर जो गंगाबाई थी उनसे परिचय महात्मा गांधी जी का हुआ अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया तो इस प्रकार जो गांधी जी की समस्या थी कि चरखा काटना काटने वाला जो कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसी इस स्त्री मिल जाए ताकि वो आश्रम के लोगों को चरखा काटना सिखा दे और उनकी मदद कर सके तो अब जाकर के गांधी जी को यहाँ पर जब गंगाबाई मिली तब जाकर के उनकी समस्या हल हुई तो ये था आपका पाठ महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंश सत्य के प्रयोग तो चलिए शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं मुलतवी यानी स्थगित आरोग्य यानी स्वास्थ्य आईना दर्पण उद्गार, अपने मन की बात उधम यानी शरारत विलायत यानी इंग्लैंड अवसान यानी मृत्यु इजारा यानी ठेका या एकाधिकार तो उम्मीद करता हूँ इस पाठ को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो बहुत ही सरल हैं एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था जोहानिस वर्ग में शांति निकेतन में गांधी जी पहली बार किनसे मिले काका कालेलकर से मिले तो इस प्रकार से लघुतात्मक प्रश्न हो या निबंधात्मक हो सभी प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं यदि आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा हो तो तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो इस पार्ट को आप दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को दोबारा देखते हुए समझने का प्रयास करें फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप और टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया